दिल्ली की कमान एक कठपुतली मुख्यमंत्री के हाथों में है। आतिशी महज एक कठपुतली मुख्यमंत्री है, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आतिशी को जरूर मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन उनकी कमान यानी कि उनकी डोर अभी भी अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही रहने वाली है। जो भी फैसला आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी वो फैसला अरविंद केजरीवाल का ही रहने वाला है। इस तरह से बीजेपी की ओर से, दिल्ली बीजेपी की ओर से आतिशी पर अटैक किया जा रहा है और दिल्ली बीजेपी की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया है जो कि आप सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर भी देख सकते हैं, एक्स पर। यह पोस्टर दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी किया गया है जिसमें आप आतिशी को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के हाथों में डोर आतिशी का, ये दर्शाया गया, दिखाया गया है। पपेट सीएम, पपेट सीएम शब्द का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है आतिशी के लिए। और यहीं पर आप आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू भी देख रहे हैं जो झाड़ू टूटी हुई है, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात आम आदमी पार्टी ज़रूर करती रही है लेकिन आम आदमी पार्टी ही करप्ट हो चुकी है, पूरी की पूरी पार्टी। और साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बना लेने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदल जाने वाला है, चरित्र वही रहेगा, करप्ट चरित्र ही रहेगा आम आदमी पार्टी का। और ये पोस्टर जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा बदल गया है लेकिन आम आदमी पार्टी का करेक्टर जो है भ्रष्टाचारी करेक्टर वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब देगी। देखिए, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है कि महिलाओं को वो पपिट और डमी के रूप में ट्रीट करती है, क्योंकि इस आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो ये कह ही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा ये टेम्पररी और पपिट चीफ मिनिस्टर होगा। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी डमी सीएम शब्द का इस्तेमाल किया है आतिशी के लिए और साथ ही ये भी लिखा है कि दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत ही दुखद है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भी लिखी। वैसे तो आतिशी सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे, ये स्वाति मालीवाल की ओर से लिखा गया है। दिल्ली बीजेपी तो लगातार हमलावर है ही, अब स्वाति मालीवाल भी अटैक कर रही हैं। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पेटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो स्वाति मालीवाल की तरह ही डमी सीएम तो बता ही रहे हैं आतिशी को, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है लेकिन इसका पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ नहीं बल्कि करप्ट पार्टी ही है। तो माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई, लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्लीवासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल
सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। जेल वाला सीएम था जिसने 150 दिन जेल में रहकर सीएमशिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला सीएम बना और अब एक डमी सीएम बनने वाला है। और ये डमी सीएम का शब्द मेरा नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज का है, ये सोमनाथ भारती का है, ये उन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का है जो आकर कह रहे हैं कि अब जो भी मंत्री सीएम बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो केवल खड़ाऊ सीएम बनेगा, वो तो केवल अरविंद केजरीवाल के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनकर सीएम बनेगा, केवल एक नाइट वॉचमैन की भूमिका में सीएम बनेगा। ये कहने का काम मैंने नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज ने किया है।